नमस्कार फिंदी। तो गाइज आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कौन से कैरेक्टर को यूज कर सकते हो डायमेंशन क्लास के अल्टीमेट स्टेज को क्लियर करने के लिए फुल ऑटो मोड में। यानी कि फुल ऑटो मोड मतलब आप एक बार यहाँ पे ऑटो प्रोग्रेस पे जाओ, ऑटो यूज डिजिग्नेटेड कैरेक्टर करो, स्टार्ट कर दो। उसके बाद में यहाँ पे बैटरी सेविंग मोड में डाल के अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दो, आपका मोबाइल वहाँ पे फुल हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे स्टोरी मोड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लो कि आपको स्टोरी मोड खेलना क्यों है। तो यहाँ पे देख लो भाई रिवार्ड, आप यहाँ पे रिवार्ड देख सकते हो। इसके लिए हमको स्टोरी मोड खेलना है, काफ़ी सारा रिवार्ड्स है। चलो ठीक है, मान लो आपकी आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं है तो आपको यहाँ पे ये फ्रेगमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन बायोमेट्रिक देख सकते हो भाई, लगभग 150 बायोमेट्रिक, यानी कि एक दिन में लगभग 150 बायोमेट्रिक आपको यहाँ से मिल जाएंगे स्टोरी मोड से। और अगर किसी भी कैरेक्टर को टीयर 3 करना है या अवेकन करना है तो उसके लिए हमको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बायोमेट्रिक लगते हैं, यानी कि 2000-3000 बायोमेट्रिक लगते हैं भाई एक कैरेक्टर को टीयर 3 करने के लिए। ठीक है, लेवल 60 से 70 करने के लिए। अब अगर आप यहाँ पे डेली खेलते हो स्टोरी मोड तो आपको महीने में लगभग 4000-4500 तक के बायोमेट्रिक मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ बहुत ही अच्छा एक समझ लो एक तरह से आपको बायोमेट्रिक कलेक्ट करने की जगह है। आपके पास फ्रेगमेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप बायोमेट्रिक के लिए ही खेलो ये। ओके, ये तो हो गया रिवार्ड। तो अब देख लेते हैं कि स्टोरी मोड कंप्लीट करने के लिए हमको कौन से कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। कि हमको यहाँ पे तीन टाइप के कैरेक्टर की ज़रूरत होती है, तीन या चार समझ सकते हो, चार टाइप के कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। तो पहला होता है फिजिकल अटैक वाला, ठीक है, दूसरा एनर्जी अटैक वाला, तीसरा विलेन, चौथा हीरो। ठीक है, चार टाइप के रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पूरे के पूरे स्टेज में, यहाँ पे 1-1 से लेके 8-3 तक पूरे के पूरे स्टेज में चार टाइप के कैरेक्टर की ज़रूरत है आपको। तो हमको सिंपली ऐसा कैरेक्टर यूज़ करना है जो यहाँ पे एक हीरो यूज करना है, एक विलेन। ठीक है, एक हीरो यूज कर सकते हैं, एक विलेन यूज कर सकते हैं, और एक सपोर्ट में एक कैरेक्टर को सपोर्ट में दे सकते हैं। अब यहाँ पे हीरो और विलेन को इस टाइप का हीरो और विलेन चूज करना है जिसके पास दोनों तरफ के डैमेज हों, दोनों तरह के डैमेज हों, फिजिकल डैमेज, एनर्जी डैमेज, दोनों तरह के डैमेज हों, इस टाइप के कैरेक्टर यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा तीन कैरेक्टर दिखा रहा हूँ, आपके सामने दिख रहा है, ब्लैक विडो, कैप्टन मार्वल और टास्क मास्टर। आप यहाँ पे टास्क मास्टर की जगह पे हेला को डाल सकते हो या फिर किसी भी और सपोर्ट को डाल सकते हो, बेलकरी को डाल सकते हो, सूरी को डाल सकते हो, मिस्टिक को डाल सकते हो, किसी को भी डाल सकते हो। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो दो मेन DPS कैरेक्टर है वो यहाँ पे ब्लैक विडो है और कैप्टन मार्वल, यही दो कैरेक्टर है जो कि मेन DPS हमारा यहाँ पे देने वाले हैं। ये एकदम से सिंपल सा टीम है, मतलब एकदम से नए प्लेयर्स के लिए इजी टू फॉर्म कैरेक्टर है, इसके लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। बाकी आप और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं उनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सुपर जायंट को यूज़ कर सकते हो, सेंट्री को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे थैनोस को यूज़ कर सकते हो, कैप्टन अमेरिका को यूज़ कर सकते हो। ये लोग भी डबल टाइप के डैमेज देते हैं, फिजिकल डैमेज और एनर्जी डैमेज, दोनों टाइप के डैमेज देते हैं। अभी मेरा टीम देख लो, ये है मेरा टीम, मैं यहाँ पे इस टीम को यूज़ करके अपना स्टोरी मोड कंप्लीट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस टीम को यूज़ करता हूँ, सेंट्री, हेला और बेलकरी, इन तीनों को यूज़ करता हूँ, ऑटो प्ले पे डालता हूँ, ऑटो प्रोग्रेस पे डाल देता हूँ, यहाँ पे अपने मोबाइल को चार्जिंग पे डाल देता हूँ और सेविंग मोड, बैटरी सेविंग मोड ओके कर देता हूँ, मेरा बैटरी भी फुल हो जाता है और यहाँ पे स्टोरी मोड भी कम्प्लीट हो जाता है। तो यस, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे इन कैरेक्टर के बारे में, तो अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पे एनर्जी डैमेज का इम्यूनिटी है स्टेज 1-3, यानी कि 1-1, 1-2, 1-3, ये तीन स्टेज में आपको एनर्जी डैमेज का इम्यूनिटी है कैरेक्टर के पास, यहाँ पे विलेन के पास। तो यहाँ पे देख लो एनर्जी डैमेज का इम्यूनिटी है, फिर भी यहाँ पे कैप्टन मार्वल कंप्लीट कर लेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करके, ठीक है, करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि यार ऐसे बोल दिया मुझसे। तो अभी आप सामने देख लो, कैप्टन मार्वल के पास दोनों टाइप के डैमेज है, फिजिकल डैमेज, एनर्जी डैमेज, दोनों डैमेज देती है, प्लस ये विलेन है, और अपने पास ब्लैक विडो है वो भी दोनों टाइप का डैमेज देती है, और ये हीरो है। तो हमको एक टीम में एक हीरो चाहिए, एक विलेन चाहिए, और ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि दोनों टाइप के डैमेज दे। बाकी एक एक्स्ट्रा आपका स्लॉट बचता है, एक कैरेक्टर का स्लॉट बचता है, उसमें आप सपोर्ट कैरेक्टर दे सकते हो, नहीं तो आप कोई भी एक और कैरेक्टर दे सकते हो मेन DPS वाला। जैसे कि अभी आप यहाँ पे टास्क मास्टर की जगह पे कैप्टन अमेरिका को डाल सकते थे, या फिर और किसी विलेन को, या फिर थैनोस को डाल दो, या फिर सेंट्री को बीच में डाल दो लीडरशिप में। ठीक है, अपने हिसाब से टीम बना लो। यहाँ पे सबसे ईजी टीम के यहाँ पे है, इसके लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, जो कि सारे के सारे प्लेयर्स यूज कर सकें। ठीक है, बाकी हाई लेवल प्लेयर हो तो भाई आपके पास तो बहुत सारे कैरेक्टर रहेंगे। ठीक है, अभी देखो ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी डैमेज का इम्यूनिटी है,
विलेन के पास, लेकिन फिर भी कैप्टन मार्वल क्लियर कर दे रही है, क्लियर कर देगी। ठीक है, मैं यहाँ पे टच भी नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो ऑटो फुल ऑटो प्ले प्लस पे चल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया, सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्यों है, देखो एकदम इजी टू फार्म है, इजीली आप इन तीनों कैरेक्टर को फार्म कर सकते हो और इनको बिल्ड कर सकते हो, टीयर थ्री कर सकते हो। तीनों के तीनों कैरेक्टर आराम से यहाँ पे फार्मेबल है और इनका यूनिफॉर्म भी आप ले सकते हो। यूनिफॉर्म लेना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना यूनिफॉर्म के कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, एक तो स्टेज क्लियर होगा, लेकिन आगे जब मैं दिखाऊंगा तो आपको स्टेज पूरा क्लियर नहीं करूंगा। देखो ये हो गया, ये तो हमारा था एनर्जी डैमेज इम्यूनिटी वाला, अब देखो फिजिकल डैमेज इम्यूनिटी आ गया। तो यहाँ पे तो कैप्टन मार्वल कर देगी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा एनर्जी डैमेज है। लेकिन मान लो कि आपका यहाँ पे एनर्जी डैमेज वाले में कैप्टन मार्वल मर गई, तो आपके पास बचेगी यहाँ पे ब्लैक विडो। तो अभी हम ब्लैक विडो से देख लेते हैं, फिजिकल डैमेज इम्यूनिटी है इस स्टेज में, लेकिन फिर भी ब्लैक विडो क्लियर कर देगी। इसके पास लाइटिंग डैमेज है, और लाइटिंग डैमेज मतलब एनर्जी डैमेज। ठीक, अभी मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ ब्लैक विडो को, देखो यहाँ पे ब्लैक विडो को स्विच कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो इम्यूनिटी आ रहा है, कहीं कहीं पे इम्यूनिटी आ रहा है, इम्यूनिटी टू फिजिकल डैमेज आ रहा है। देखो अभी आएगा, देखो आ गया। हर स्किल में इसके पास एनर्जी डैमेज नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो जब वो फिजिकल डैमेज वाला स्किल यूज़ करती है तो यहाँ पे फिजिकल इम्यूनिटी आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, मार दे रही है कैरेक्टर्स को, मतलब अपोनेंट्स को मार दे रही है, क्योंकि इसके पास है एनर्जी डैमेज, लाइटिंग डैमेज है, फायर डैमेज है। देखो अभी फायर होगा, मर गया कैरेक्टर्स। ठीक है, टीयर थ्री स्किल में फायर डैमेज है, तो यहाँ पे क्लियर कर देगी ब्लैक विडो आराम से, यहाँ पे क्लियर कर देगी। सपोज कि आपकी कैप्टन मार्वल मर गई तो देखो हो गया, तो यस ये हो गया। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये दोनों कैरेक्टर खरे उतरते हैं, मतलब काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो अभी वो भी देख लो। तो के फिजिकल वाला अभी तक है, उसके बाद में ये आ गया गारंटी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। गार्बेज कम्युनिटी वाला है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देंगे। डॉज बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देख लो, रिफ्लेक्ट डैमेज इनमी रिसीव फ्रॉम हीरो, यानी कि हीरो का जो डैमेज होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे ब्लैक विडो डैमेज देने की कोशिश करेगी तो वो मर जाएगी, बहुत जल्दी तुरंत मर जाएगी, रिफ्लेक्ट से मर जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे कैप्टन मार्वल काम करेगी। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, फटाफट से देख लो पूरा का पूरा एकदम प्रूफ के साथ भाई, एकदम मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, शायद आज थोड़ा सा लेट हो जाए वीडियो, 6 बजे तक ना पहुँच पाए। तो देखो अभी जब हीरो वो आएगा, वहाँ पे बॉस आएगा, तो यहाँ पे ब्लैक विडो का डैमेज रिफ्लेक्ट कर देगा और पूरा का पूरा यहाँ पे ब्लैक विडो मर जाएगी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख लेना, तब यहाँ पे हम कैप्टन मार्वल आएगी और यहाँ पे क्लियर करेगी। अभी ब्लैक विडो के पास देखो आई फ्रेम है, देखो देखो रिफ्लेक्ट हुआ, कितना डैमेज इसका कम हो गया, देखो कितना ज़्यादा डैमेज इसका कम हो गया। अभी ये मर भी सकती है, ठीक है, ओके, अभी तक तो नहीं मरी है। देखो ये ब्लैक विडो थोड़ी देर तक अभी चल रही है, क्यों, क्योंकि इसके पास काफ़ी सारा आई फ्रेम है, तो जब कैरेक्टर आई फ्रेम में रहते हैं तो रिफ्लेक्ट नहीं होता डैमेज। ठीक है, रिफ्लेक्ट डैमेज यहाँ पे नहीं अप्लाई होता है जब आपका कैरेक्टर आई फ्रेम में रहेगा तो लेकिन जैसे ही आई फ्रेम के बाहर निकलेगा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और कैरेक्टर मर जाते हैं। देखो मर गई ब्लैक विडो, मर गई, लेकिन अब यहाँ पे कैप्टन मार्वल आपकी आके हेल्प करेगी और ये पूरे कैरेक्टर को मार देगी, क्योंकि ये विलेन है तो इसका डैमेज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ईजिली एकदम से मार देगी पूरा, मतलब यहाँ पे स्टेज कंप्लीट कर देगी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे देखो विलेन आ गया, यहाँ पे विलेन का डैमेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल मर जाएगी और ब्लैक विडो काम करेगी। अभी आप देख लो, इसका भी देख लो, बहुत ही अच्छा ये दोनों कैरेक्टर इसके लिए मैंने चूज किया, क्योंकि देखो इनके पास तो दोनों टाइप के डैमेज है, प्लस इनके पास आई फ्रेम इग्नोर भी है भाई। ठीक है, मेन वजह ये भी है कि इनके पास आई फ्रेम इग्नोर है, यानी कि अगर सामने वाला आई फ्रेम में जाता है तो भी आप समझ सकते हो ब्लैक विडो पीवीपी कैरेक्टर है, और यहाँ पे कैप्टन मार्वल भी पीवीपी में काफ़ी दिनों तक यूजफुल रही, पहले मतलब थी। देखो ब्लैक विडो, सॉरी क्या बोलते, कैप्टन मार्वल मर गई, अभी ब्लैक विडो का काम आ गया, अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करेगी ब्लैक विडो। ठीक है, ये हो गया।
और क्या दिखाना है? हमारा देखो पेनिट्रेशन वाला है, इसमें इस स्टेज में भी क्या है कि इन दोनों के पास काफ़ी लंबा आई फ्रेम है, तो यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा सुपर आर्मर बैरियर शील्ड इम्यूनिटी, लेकिन आई फ्रेम पेनिट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है? ये लोग आई फ्रेम पेनिट्रेट नहीं करेंगे अभी, तो इसके लिए इस स्टेज में भी ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही हेल्पफुल हैं, अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो कि इसको छोड़ देते हैं, आई होप की समझ में आ गया होगा आपको। आगे पेनिट्रेशन वाला है, आई फ्रेम पेनिट्रेशन, उसको मैं दिखा देता हूँ। अब देखो सुपर आर्मर बैरियर शील्ड आर डैमेज इम्यूनिटी की टेंशन नहीं है, यहाँ तक तो हम आराम से खेल सकते हैं, 7-3 तक इजीली खेल सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर नहीं मरेगा आपका, ठीक है? लेकिन इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आई फ्रेम इग्नोर, तो सामने वाले के पास आई फ्रेम इग्नोर है, अपने पास भी आई फ्रेम इग्नोर है। अब यहाँ पे चांस की बात है भाई, देख लो सिंपल सी बात है, एकदम नॉर्मल सा टीम है, कोई तगड़ा वाला हाई टीम नहीं है हमारे पास, ठीक है? सिंपल सा टीम है, तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर मर सकता है। 8-1, 8-2, 8-3, ये तीन स्टेज में यहाँ पे आई फ्रेम इग्नोर है सामने वाले के पास, तो आपका कैरेक्टर मर सकता है, यानी कि आप यहाँ पे 7-3 तक इजीली क्लियर कर सकते हो। तो इसमें बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कत आएगी, क्योंकि अपने अपने कैरेक्टर के पास भी आई फ्रेम इग्नोर है, ठीक है? सामने वाले के पास आई फ्रेम इग्नोर है, तो अपने पास भी आई फ्रेम इग्नोर है, तो इसके लिए यहाँ पे हेल्प रहेगा, यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा हमको। बाकी यहाँ पे चांस की बात रहेगी, ठीक है? मरेगा तो ठीक है, आपका कैरेक्टर मर जाता है तो यहाँ पे रुक जाएगा ऑटो प्ले, लेकिन अगर नहीं मरता है क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा सब कुछ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिख के बताओ। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।